First of all, thanks to Ankit sir to welcome him. And मैंने ये सीखा है कि सेल्फ पनिशमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि हमें पेरेंट्स और टीचर्स पनिशमेंट करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो सेल्फ पनिशमेंट बंद हो जाता है और वो खुद को क्रिटिसाइज़ करने में ज़्यादा यूज़ में आने लग जाता है. सो हम को सेल्फ पनिशमेंट और सेल्फ रिवॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. सेकंड थिंग इज़ दैट कि हर ह्यूमन बीइंग को, भले ही हम पेरेंट्स को उनके फेस पे ना बोले, लेकिन खुद के मन में पेरेंट्स के लिए रेस्पेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है. थर्ड मैंने ये सीखा है कि मनी जो है बहुत ही इंटरनली हर ह्यूमन बीइंग के बहुत ही अटैच होता है. वो नहीं चाहता फिर भी वो अटैच हो जाता है. तो जब खुद का मनी हो या पेरेंट्स का मनी हो, वो एक मनी आपके लाइफ को आपको बाय कर लेता है. तो वो चीज़ हमने सीखी है कि एक दिन 500 रुपए का भी नोट अगर अपन फाड़ेंगे तो उससे काफ़ी, मतलब एक बार करके उस टास्क को देखा जाए ना तो वो आपकी लाइफ को 100% चेंज कर देगा. सोचना ही इट्स अ हॉरिबल. थर्ड चीज़ मैंने ये सीखी कि कुछ बड़े बड़े एक्शन से आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, एक छोटे छोटे एक्शन से आप लाइफ में सक्सेस के काफ़ी पास पहुंच जाते हो. फोर्थ चीज़ मैंने ये सीखी कि आपके दो ऑप्शंस, दो नाव पे आप कभी पैर नहीं रख सकते. तो आप ये सोचो कि जो आपके दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है, दूसरा ऑप्शन को आप बर्न कर दो, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे. और दैट्स इट. ये सब में ये चार पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये मैंने सीखे हैं थैंक्स टू अंकित सर. थैंक यू.